अस्सलाम वालेकुम, बोलो। हमें मिले, दे लिव इन इजिप्ट एंड देयर दे आर ऑल सुपर। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नई सुबह। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देख लिया था कि हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया और अभी हमें 2 दिन इसी होटल में रुकना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है अगर इजिप्ट आ रहे हैं, जॉर्डन आ रहे हैं या इज़राइल आ रहे हैं, तो सबसे सस्ते होटल में रुकने वाले हैं। और जस्ट मेरे पीछे आप इसका व्यू देखिए, कितना शानदार व्यू है। इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ। यानी पीछे आप समुद्र का व्यू देखिए, कितना प्यारा है। और उस समुद्र के पीछे जो देख रहे हैं ना, वो सऊदी अरब का बॉर्डर है। इधर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है स्विमिंग पूल है, आप देख सकते हो, मैं बारी बारी दिखाऊँगा। और इसी के पीछे जो है वो जॉर्डन का बॉर्डर है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर होटल है जहाँ पर हम स्टे करे हुए हैं। और जस्ट इसी के पीछे जो देखेंगे आप, वो इजिप्ट है का बॉर्डर है। और जस्ट मेरे पीछे जिधर से मैं आया हूँ, उधर है इज़राइल का बॉर्डर। तो यानी जिस लोकेशन पर आप ठहरेंगे ना, यहाँ पर चारों बॉर्डर आपको जो है आसानी से मिल जाएंगे, और सब जो है आसपास ही है। तो मैंने सोचा स्विमिंग पूल बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको करीब से जो है समुद्र का नज़ारा दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ ना दोस्तों खूबसूरती ना इन्फिनिटी है, इसको जितना देखोगे ना इतना आप भूल नहीं पाओगे। ये देखिए रेत, यहाँ का बीच देखिए कितना शानदार है, कितना प्यारा आप यहाँ का व्यू देख रहे हैं। जस्ट अमेजिंग, बहुत ही प्यारा, ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो यहाँ से आप ना समुद्र का नज़ारा देखिए, लोग नहा रहे हैं, और बीचेस देखिए कितने शानदार, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितना शानदार व्यू है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए, एक बात बताओ मुझे, आप तो मुझसे मेरा ओपिनियन मांगते रहते हो, मगर आज मैं आपसे आपका ही ओपिनियन मांगने लगूं और बदले में आपको ढेर सारा पैसा मिलने लगे तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोवो, जो कि एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिंपली अपना ओपिनियन देकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। प्रोवो प्लेटफॉर्म में आप चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो न्यूज हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो फाइनेंस हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, सिंपली आपको अपना ओपिनियन देना है, वो भी यस या नो में, और आप ढेर सारा पैसा जीत सकते हो। देखो सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो क्रिकेट मैच में है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ क्रिकेट मैच से जुड़ा हुआ सवाल है और इसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो इसमें मैं अपने जो है ओपिनियन देने वाला हूँ, ढेर सारा पैसा कमाने वाला हूँ। जैसे कि इसमें आप ये सवाल देख रहे हैं कि इंडिया वुमेन्स क्रिकेट टीम टू विन अ गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो जाहिर है यस, तो यहाँ मैंने यस कर दिया। और यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप 100% श्योर है कि आपका आंसर ठीक है, यानी यस है या नो है, तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट जो है इंक्रीज कर सकते हो और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। दोस्तों बताना चाहूंगा, जो प्रोवो प्लेटफॉर्म है इसको 25 लाख से ज्यादा लोग यूज कर चुके हैं, और साथ ही साथ 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए से भी ज्यादा इसमें अर्न कर चुके हैं। और यहां पर आप अपना पैसा आसानी से विड्रॉल कर सकते हो, चाहे वो बैंक अकाउंट में हो, चाहे वो पेटीएम में हो, चाहे वो गूगल पे में हो, या चाहे वो फोन पे में हो। तो भैया देर किस बात की, जल्दी से जाओ, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इस प्रोवो प्लेटफॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से इसको डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपए मिलने वाले हैं मेरी तरफ से। सो ये हमें मिले, दे लिव इन इजिप्ट एंड देयर दे आर ऑल सुपर्ब एंड सो एक्साइटेड एंड देयर किड आल्सो सुपर्ब, मतलब इनका बच्चा भी अच्छा है, ये बहुत प्यारी फैमिली है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा वेलकम किया। इनका मैं बेबी दिखाता हूँ आपको, हेलो करो, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बोलो। तो पता है ना, बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिलते हैं, स्पेशली मुझे यहाँ बहुत सारे लोग जानते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आती है, लैंग्वेज की आती है, बट आई एम ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट आई एम ट्राइंग। तो मैं बस फ्लो फ्लो में निकल जाता है। तो यहाँ है अभी हम, अब आपको दूसरा सीन दिखाने वाले हैं, यहाँ का जो वो है ना स्विमिंग पूल, वो देखो शाम का व्यू कितना शानदार होता है, देखो कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए इस समय आप चारों बॉर्डर से घिरे हुए हो और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। एक्चुअल में यहाँ पर ना लगभग सारी कंट्री के लोग ही हमें यहाँ पर दिखाई दिए, तो ये थोड़ा काफ़ी अच्छा इंट्रैक्शन हो जाता है लोगों से। तो ये जो आप सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, ये यहाँ का स्विमिंग पूल है, देखिए कितना शानदार है, आप देख रहे हैं, और इसमें आप इंजॉय कर सकते हो। मैं भी नहाऊँगा, बट आज नहीं, मैं कल नहाऊँगा, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा यहाँ का। ये देखिए, मतलब आपको लग ही नहीं रहा, जैसे मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जॉर्डन में आ गया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे थाईलैंड में कहीं चला गया हूँ। ये हमारे दोस्त है, हाय कैसे हो? ठीक है, ठीक हो? सब बढ़िया 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 बढ़िया, माशाल्लाह अच्छी बॉडी। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ थर्ड, जहाँ पर जो है हम डिनर करेंगे। ओके
वाओ, कितना डूबा हो, कितना खड़े हो ना, खड़े हो ना, खड़े हो, खड़े हो, कितना गिरा है? इतना है, मैं तो डूब जाऊंगा इसके वाला नहीं। कितना पानी साफ है। मुशाहिद भाई लगाओ इसमें डुबकी। तो स्विमिंग पूल खुलने का टाइम है 9 बजे और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। ये इसका लास्ट टाइम है, यानी सूरज छुप चुका है ना, तो आप अगर आए तो यहाँ पर समुद्र पे नहाएं पहले, फिर यहाँ के मजे लें। तो दोस्तों देखो डिनर शुरू हो चुका है और यहाँ पर देखिए जूसेस वगैरह मिल जाएंगे जो टोटली सब इंक्लूड होते हैं आपके डिनर में। तो ये देखिए, तो ये है बफे सिस्टम जहाँ पर जो है डिनर चल रहा है। तो यहाँ पर देखो सब्जी ना आपको उबलू भी मिलेंगी, ये देखिए जितनी भी सब्जी देखेंगे ना सब सारी उबलू भी मिलेंगी, ये वेजिटेबल, ये देखिए। तो भाई मैंने अपना खाना ले लिया, सारा खाना आप देख सकते हो, सारा का सारा न्यूट्रिशन है, साथ में एप्पल जूस है। और इस पर मैं एक डेडिकेट ब्लॉग अलग से बनाऊंगा क्योंकि इनका खाना मुझे बहुत अच्छा लगा और इनका ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। अब मैं दिखाता हूँ आपको फोर्थ एक्टिविटी, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे गेम है जो आप खेल सकते हो, ये देखिए किड्स प्ले, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी जो है आप कर सकते हो बच्चों के लिए स्पेशली। और यहाँ भी देखिए बहुत सारी एक्टिविटी जो है आप कर सकते हो, ये देखिए उधर आप वॉलीबॉल वगैरह भी खेल सकते हो, बहुत अच्छी एक्टिविटी आप कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ का चौथा पोर्शन मैंने आपको दिखाया था स्पोर्ट्स वाला। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ की जो खजूर है ना इतनी नीचे है ना, बहुत मज़ा आता है देखकर। ये देखिए आप, ये देखिए खजूर कितनी नीचे है, बहुत मज़ा आता है भाई। मैंने कल भी खाई थी, फिर खाता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कितने सारे खजूर के पेड़ हैं, ये देखिए उधर देखिए। तो अभी यहाँ का जो पांचवा पॉइंट है वो दिखाने जा रहा हूँ, अपना रूम काफी अच्छा लग्जीरियस रूम है। साथ ही साथ यहाँ पर ना सारी एक्टिविटी हैं, चाहे वो स्पा हो चाहे वो जिम हो, दीज आर सो मैनी एक्टिविटीज हेयर। रूम इन लोगों ने इस तरीके से बना रखे हैं जैसे जंगल में रूम बनते हैं ना, देखो इस साइड में और बीच में इन्होंने ग्राउंड बना दिया उस साइड में, ये देखिए इस तरह से 420 यहाँ पर जो है आपको रूम मिलेंगे। ये देखिए ये इसका फर्स्ट जो है ना आप एंट्रेंस देख सकते हो जस्ट सामने, ये देखिए जहाँ से मेन एंट्री है। देखो इस समय ना मगरिब की अजान हुई थी अभी, उसके बाद सब शांत हो गया एकदम, इतनी सी आवाज़ नहीं आ रही, ये देखिए, जबकि सारे के सारे रूम फुल हैं यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये रिसेप्शन है अंदर, आप खुद देख सकते हो, इसके अंदर मीटिंग हॉल भी है, आप टेनिस खेल सकते हो, सो मैनी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं बहुत सारी, आप खुद देख सकते हो। तो ये अपना रूम है, हमारे रूम का नंबर है 139, इसकी चाबी ये वाली होती है, खोल कर देखते हैं भाई। ये खुल गया, तो ये आप हमारा रूम देख सकते हो, ये हमारा रूम है, डबल रूम मिला, देखियो डबल रूम बेड मिला है मुशाहिद भाई और मेरा, क्या हालत हो चुकी है। बाकी यहाँ पर ये चाय बनाने के लिए देते हैं क्योंकि यहाँ पर चाय बहुत महंगी है, इजिप्ट में तो फिर भी सस्ती है, बाकी 100-150 रुपये की चाय मिलती है। ये देखिए यहाँ पर ये सुविधा है, इन्होंने इसमें फ्रीज भी दे रखा है, ये देखिए फ्रीज में आप सामान रख सकते हो, सब कुछ चालू है। और इधर ये हमारी अलमीरा है, इसके अंदर एक इन्होंने डिजिटल लॉक दे रखा है, उसके बाद काफ़ी अच्छा ये मेरा सामान रखा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा दे रखा है ये। और टीवी वगैरह है, वाईफाई तो है ही, ओके सब कुछ, ये लाइट वगैरह सब कुछ अच्छा बना रखा है, ऊपर वुडन का है ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे गाँव वाली फील आ रही है, मतलब लग्जरी में भी गाँव वाली फील। ये बाथरूम है, तो ये नहाने का है भैया, ये देखो मैं आईफोन से शूट करता हूँ, इसमें ये बाल का हो गया, हेयर ड्रायर हो गया और टेलीफोन वगैरह भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये कुल मिलाकर हमारा रूम है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मुद्दे की, प्राइस की। अरबाज भाई प्राइस कितना ये तो बताइए आप हमें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जैसा कि आपको पता होगा 8 लोगों का हमारा वीजा रिजेक्ट हो गया इसराइल का, हमें बहुत दुख हुआ, तो हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ा, हम यहाँ 2 दिन स्टे करेंगे, इसके बाद जो है हम जो है कायरो चले जाएंगे। तो यहाँ की बात करें तो हमने 8 लोगों का 41,000 क्योंकि $500 दिए, हाँ $500 क्योंकि हमारे पास $700 थे, $200 का तो हमने वीजा ले लिया, वीजा ऑन अराइवल यहाँ इजिप्ट का, जो कि एक बंदे का $25 का था,
तो यानी 200 हमारे डॉलर खर्च हो गए बीजे में, $500 हमने यहाँ दिए, तो $500 के हुए 82 रुपये के हिसाब से 41,000 में लिया है। उसे अगर 8 लोगों में डिवाइड करोगे तो एक बंदे पर आते हैं 5,000 रुपये, तो 2 दिन के 5,000 यानी 1 दिन के 2,500 रुपये। अगर आप सिंगल या 2 लोग भी आते हो ना तो ज़्यादा महंगा है नहीं है, ज़्यादा ग्रुप में आओगे तो और आपको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर 1-2 लोग भी आओगे तो भी ज़्यादा महंगा है नहीं। तो अभी मैं इस समय फ्रंट में खड़ा हूँ और यहाँ का नज़ारा ना दोस्तों बहुत सुपर है। यहाँ पर सब कुछ है, पूरी तरीके से मार्केट बनी हुई है, सब कुछ आप जस्ट सामने देख सकते हैं, एक बाज़ार भी है। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छी और सबसे रिचेस्ट लोकेशन लगी मुझे, और सबकी आपके दाम में। तो किस तरीके से आप 2500 रुपये में आप यहाँ विजिट कर सकते हो, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, पूरी सीरीज चल रही है, अभी हमें 2 दिन रहना है, 2-3 दिन और कोशिश करेंगे यहाँ एक्सप्लोर करने का। और मैंने जो है जॉर्डन के बहुत सारे ब्लॉग बना रखे हैं ऑलरेडी, बहुत सारे नबियों के कब्र है और बना रखे हैं, तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़।